मेरा पैन गरम हो चुका है, उसमें मैं पहले डाल दूंगी ऑयल, जो कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि आपके पास जितना पुदीना है आप जो क्वांटिटी में बना रहे हो आप उस हिसाब से डाल लेना। तो मेरा ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैं पहले डालूंगी गार्लिक, फिर मैं डालूंगी जिंजर। तो जिंजर और गार्लिक को थोड़ा सा अच्छा से फ्राई कर लेंगे। फिर अब स्लो फ्लेम में फ्राई कर रही है, तो अच्छा से फ्राई हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑनियन, रेड चिली। ये चटनी थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने रेड चिली साथ में दो ग्रीन चिली डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा, इसको चटनी चना बोलते हैं, वो मुझे पता है, पता नहीं आप लोग इसे क्या बोलते हो, क्योंकि मैं ना साउथ और नॉर्थ इंडिया दोनों मिला के खाना बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये सब अच्छा से फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी कोकोनट, कोकोनट को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना, मेरा पुदीना थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मैं जब भी ये चटनी बनाती हूँ बना के थोड़ा स्टोर करके रख देती हूँ। इसको आप बना के थोड़ा ज्यादा बना के आराम से स्टोर करके रख सकते हो, जब जब आपको चाहिए आप जैसे फ्रिज में रख के निकाल के खा सकते हो, क्योंकि ये चटनी जो है ये बहुत दिन तक रहता है, और इसको आप चपाती के साथ, राइस के साथ, गरम राइस के साथ, चपाती के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इडली, डोसा, सभी कुछ में आप ये खा सकते हो। तो मेरा पुदीना अच्छा सा फ्राई हो गया है, इसमें मैं अभी डालूंगी जो मेन चीज है वो है सॉल्ट, तो वो आप अपना हिसाब से डालना। तो मैंने इतना सारा पुदीना डाला था जो कि फ्राई होके अभी इतना सा ही हो गया है, तो मेरा सब कुछ फ्राई हो गया है अच्छा से। मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो ये ठंडा हो गया है, मैं अभी इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी, और उससे पहले मुझे इसमें डालना है थोड़ा सा टैमरिंड जूस, जो कि मैंने टैमरिंड को पहले ही भिगो के रखा था, क्योंकि भिगो के रखने से वो जूस निकालने में आसानी होता है, तो इसलिए मैंने टैमरिंड को भिगो के रखा था। तो अभी मैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने से पहले मैंने जूस ऐड कर दिया। ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी अभी सरसों और दो रेड चिली। जो कि मेरा तड़का के लिए है।
मैंने तड़का डाल दिया है इसमें, अब इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी।